हेलो डियर फ्रेंड्स, हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ नरेंद्र राज। लीजिए फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल नरेंद्र ब्लॉग चैनल पर। आज हम जा रहे हैं बैतूल में स्थित स्थापना डैम देखने जा रहे हैं, तो लीजिए मिलते हैं स्थापना डैम। देखिए दोस्तों, अब हम हाईवे से लेफ्ट मुड़ते हैं और लेफ्ट मुड़ने के बाद में ये यहाँ से थोड़ा सा हमें राइट टर्न लेना पड़ता है। राइट टर्न लेंगे, ये है स्थापना की ओर जाने वाला रोड, स्थापना जलाशय, तो ये वो रोड है। अब हम निकल चले हैं बढ़िया, ग्रीनरी है आजू बाजू, बिल्कुल झाड़ है, पौधे हैं। तरीके से बढ़िया ये गेट पड़ता है, इस गेट से हमें जाना है। देखिए लहर, स्थापना जलाशय की लहर है, बढ़िया हरियाली हरियाली। पहले भी हैं, ये घूम रहे हैं, ये सामने पूरी पहाड़ियां हैं। पूरा
वन्य क्षेत्र है ये, और अब यहाँ से शुरू होगा सापना जलाशय। अब आप नज़ारा देख सकते हैं हमारे बैतूल की शान, सापना जलाशय। सामने आप देख पा रहे हैं अब वो समय आ गया है, तो दोस्तों देखिए कैसा नजारा होता है यहाँ का। ये रहा सामने सापना जलाशय। देखिए दोस्तों कैसा नज़ारा है, बिल्कुल लाजवाब। यह है सापना जलाशय। देखिए आप यहाँ आकर नौका विहार भी कर सकते हैं। बढ़िया, कुछ हमारे कुछ लोग बढ़िया सापना इको टूरिज्म बैतूल आप देख सकते हैं। ये पूरा एरिया है बड़ा सुंदर सा। उधर किसी ढोरा है, उधर बैठा है ऊपर? नहीं ढोर नहीं है, बकरी जानते हैं। तो बढ़िया देख सकते हैं कितना लाजवाब दृश्य है सापना जलाशय। हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र नाथ, और लीजिए हमारे ये जो ब्लॉग है डेली ब्लॉग में हम आ पहुंचे हैं आज सापना डैम पर। और इस सापना डैम को आप देखिए कितना मनोरम दृश्य है, और साथ ही हम अपने इस सापना जलाशय की आपको यहाँ से जुड़ी रोचक जानकारियाँ भी हम आपको देंगे। तो लीजिए, उसके साथ ही हमारे बीच में बिशन विश्वकर्मा जी मौजूद है, तो वो इस डैम के बारे में कुछ जानकारी देंगे। तो बिशन विश्वकर्मा जी आप बता दीजिए। हाँ सर, अभी तो पर्याप्त पानी चल रहा, किसानों के लिए पर्याप्त पानी है, पर्याप्त सिंचाई भी हो जाएगी, और डैम की देखभाल मेरे अंदर में है। तो बिशन जी क्या लगता है आपको, इस बार भरपूर बारिश हुई है? भरपूर बारिश हुई, हद से ज्यादा बारिश हो गई। चल दो अच्छा, भरपूर बारिश हो गई, हद से ज्यादा हो गई है, और पर्याप्त पानी है, किसानों को कोई प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो मतलब इस साल किसानों को मतलब बल्ले 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 बल्ले, क्या बात है, करोड़ों रुपए वसूली है, किसान तो वसूली दे नहीं रहा। हाँ। इसके बाद में भगवान जाने क्या होता हूँ। अच्छा अच्छा, तो यहाँ से जो नहर जाती है वो आपका कितना? मेरा है आधा किलोमीटर का है, मतलब एरिया उतना ही देखता हूँ मैं तो। अच्छा अच्छा अच्छा, बाकी का उधर तो विभाग वाले खुद ही समझ लेते हो। तो ये जो अपना जलाशय है, यहाँ का पानी पूरे ऑल ओवर बैतूल में? बैतूल, बडोरा, बडोरा तक जाता है, इधर मलकापुर। अच्छा, इधर भी जाता है। जी जी, नमस्कार। अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो ये हैं बिशन विश्वकर्मा जी, जिनसे हमें अभी हम बात कर रहे थे। तो चलिए, तो अभी घुमाते हैं हम आपको, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट। चलिए फ्रेंड्स, देखिए अब हमारे बीच में जो टीम थी वो और बढ़ चुकी है, और यहाँ दर्शकों की भी जो क्वांटिटी है वो भी बढ़ते जा रही है, क्योंकि आज है दिन रविवार, और ये जो दिन होता है यहाँ घूमने फिरने का दिन होता है। और जहाँ तक कि हम बात कर रहे हैं सापना जलाशय की, तो ये बहुत ही अच्छा प्लेस है, और यहाँ पर घूमने काफ़ी लोग आते हैं। तो देखिए हमारे घूमने वाले दीर्घा में
काफी लोग आ चुके हैं, देखिए कितने लोग आ गए हैं। तो हम चाहेंगे कि आप वन बाय वन कहें कि कैसा यहाँ आपको आकर लग रहा है, आपका अनुभव शेयर करेंगे। पास में आके कैमरामैन। हाँ, बहुत ही बढ़िया लग रहा है यहाँ क्या मन आनंदित हो गया है और बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी लोकेशन है कि देखो कितना बढ़िया नजारा है, मन खुश हो गया है देखकर और सभी लोग एंजॉय करने दिन भर आज एंजॉय करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका शुभ नाम भी बता दीजिए, कहाँ से हैं आप? मैं बैतूल से हूँ, मेरा शुभ नाम संगीता बनारे है और आज हम लोग यहाँ पर सब इकट्ठा हुए हैं एंजॉय करने के लिए, घूमने के लिए, सापना डैम का नजारा देखने के लिए। बहुत बढ़िया, चलिए। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम जसवंती बौद्ध है और हम लोग भी इस सापना जलाशय के किनारे घूमने आए क्योंकि ये प्रकृति के बीच में है, आजू बाजू जंगल है, हम देख रहे हैं इतने पेड़ पौधे लगे हुए हैं और मुझे पानी के पास बहुत अच्छा लगता है। आज रविवार है, पानी के साथ में हम एंजॉय करेंगे, बोटिंग करेंगे और पिकनिक मनाएंगे और हमारी सारी सहेलियों के साथ यहाँ पे एंजॉय करने आए हैं। क्या बात है, से मेक सम नॉइस। हेलो, मैं सीमा घानेकर बैतूल से हूँ। मैं भी यहाँ पर एंजॉय करने के पर्पज से आई हूँ और मेरा तो ये फर्स्ट राउंड है जो मैं यहाँ पर इस दृश्य को देख रही हूँ। बड़ा सुंदर मनमोहक दृश्य है, नाव को देखिए, नाव का जो तिरंगे का जो दिख रहा है उसमें बहुत ही सुंदर है और उसमें जो सवारियाँ बैठी हुई है तो बहुत सुंदर लग रही है, यहाँ से देखने पे बहुत अच्छा लग रहा है। वाकई में बहुत सुंदर दृश्य है ये हरियाली देख के तो सभी मनमुग्ध हो जाएंगे यहाँ देखकर। क्या बात, थैंक यू। तो हमारे देखिए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, थोड़ा इनको क्लोज करके दिखाइए और थोड़ा सा स्माइल। ये बात गुड। हमारे एक भाई साहब हैं जो कि कुछ कहना चाहेंगे। हाँ भैया बोलिए। हम यहाँ रविवार के दिन, मैं भगवान दौरी और हम रविवार की छुट्टी मनाने दोस्तों के साथ आए, छोटे भाई बहनों के साथ आए हुए। ये प्रकृति की जगह है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ के। वाह, हम मेरे फर्स्ट टाइम में उससे पहले मैं आया था, जब आया उतनी व्यवस्था नहीं थी पर आजकल बहुत ही अच्छा दृश्य नजर आता है यहाँ। क्या बात, फोटो बहुत बढ़िया। भगवंत जी तो मस्त लगा आपको यहाँ आके, है ना? हाँ। बहुत, अब ये आपने कहा कि फर्स्ट टाइम आप आए हैं, है ना? हाँ। गुड, तो कैसा लगा ये जलाशय? हाँ, आपको बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है ना? हाँ, चलिए बेटा आप कुछ कहोगे? हाँ। बोलो बोलो बोलो। हाँ आप कुछ कहोगे? चलिए, हाँ अभी हम सर के पास आते हैं, सर का थोड़ा आउटपुट लेंगे कि कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके सापना जलाशय। मैं जगन घरेकर, फर्स्ट टाइम आया हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है सपना डैम घूमने के लिए। पिकनिक मनाने के लिए आए थे लोग संडे के दिन, छुट्टी के दिन, बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार आए। धन्यवाद। तो आप लोगों ने देखा दोस्तों, कितने सभी लोग आते जा रहे हैं, लोग घूमने आते हैं हर संडे और बहुत बढ़िया। आप देखेंगे कि पूरा पहाड़ पर बना हुआ है, ये पहाड़ी क्षेत्र है और आप इधर जूम करेंगे तो कितना बढ़िया इधर ढलान है और नेशनल हाईवे 47 यहाँ से लगाया है। ये बैतूल नागपुर नेशनल हाईवे है, इसी से सटा हुआ है और आप देख सकते हैं यहाँ से कितनी दूर तक पूरा फैला हुआ है पानी, दूर तक बिल्कुल देख सकते हैं। और दोस्तों अभी हम थोड़ी देर बाद आपको एक वो मेजरमेंट वाला जो जगह है जहाँ से इस पूरा इसका नापा जाता है वो भी आपको हम दिखाएँगे, तो चलते हैं दोस्तों। तो हेलो डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन देखिए सापना जलाशय का एक बहुत ही लाजवाब एटमॉस्फियर यहाँ बना हुआ है और दिन के बज रहे हैं अभी कितने, 12 बज रहे हैं और यहाँ देखिए कितना बढ़िया, ये बच्चे लोग भी आए हुए हैं तो आइए इनसे हम मिलाते हैं। तो हाय करिए हमारे चैनल के लिए, वीडियो के लिए। ओके, तो बेटा कहाँ कहाँ से आए हैं आप लोग? थोड़ा आप पास में आ जाइए, कैमरामैन इन बच्चों को दिखाइए। हाँ, क्या नाम है आपका? विशाखा। वैष्णो। भगवंत। आप? विनीत। अशोक। नम्रता। समर। वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को सापना में देख के घूम के? बहुत अच्छा। हाँ,
देखिए अभी हमारी दीदी भी आ चुकी है, जसवंती ताई, ये भी बढ़िया घूमने आई हुई है। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ माहौल? बहुत ही प्यारा लग रहा है, यहाँ का प्राकृतिक दृश्य देखकर बहुत ही आनंद आ रहा है। सारी दुनिया से टेंशन से मुक्त, बहुत प्यारा, और बच्चों को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। और हम लोगों का संडे का एंजॉय करने आए फैमिली सहित, और हमारी फैमिली भी और आ रही है, और बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी नाइस। तो देखिए कितना बढ़िया इधर आप देख सकते हैं व्यू, और यहाँ पे कुछ नौका विहार भी कर रहे हैं, और ये बहुत बढ़िया है ना। तो ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स हम आ चुके हैं। तो मेरे प्रिय दर्शकों, हम आ चुके हैं स्थापना जलाशय के उस भाग पर जो कि बढ़िया टॉप पे है, और यहाँ से आप पूरी जगह को बढ़िया से निहार सकते हैं। ये देखिए मेरे पीछे बहुत बढ़िया ऐसे ऐसे पॉइंट बने हुए हैं जहाँ से बकायदा आप देख सकते हैं। अभी ये देखिए हम बता रहे हैं आपको, काफ़ी लोग भी घूमने आ चुके हैं यहाँ पे। ये देखो कितना बढ़िया प्लेस बना हुआ है। ये देखिए ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं कैसा व्यू है। ये देखो वही बच्चे हैं जो वहां पे मिले थे, बढ़िया नजारा ले रहे हैं। देखिए क्या व्यू है, देख सकते हैं। हेलो डियर फ्रेंड्स, तो अभी मेरे इस ब्लॉग चैनल में आप देख रहे हैं जलाशय सापना जलाशय, जो कि बैतूल का बहुत ही प्रसिद्ध और फेमस स्थान है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ से आप कितना अच्छा व्यू आप देख पा रहे हैं, और ये बहुत ही लाजवाब प्लेस है, और यहाँ पर आप आ सकते हैं, और बिल्कुल नॉमिनल चार्ज है, पर व्यक्ति 12 रुपये यहाँ का एक टिकट है, और बढ़िया आप फैमिली के साथ घूम सकते हैं, और बहुत लाजवाब स्थान है, दिल खुश हो गया। देख सकते हैं कि ये टेम्पो वो तंबू भी लगा है, सब अपना ऐसा लगा के बढ़िया कर सकते हैं। चारों ओर बिल्कुल ग्रीनरी है, मस्त है। तो एंजॉय। ये वो पॉइंट है जहाँ से पूरे डैम को आप देख सकते हैं, बहुत ही लाजवाब व्यू है। ये देखिए काफी दूर दूर तक फैला हुआ है। देखिए कितना बड़ा है, और ये ऊपर एक व्यवस्था की गई है यहाँ पर बढ़िया से। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एंजॉयमेंट भी हो रहा है, और बहुत सारे लोग आए हुए हैं, सब मिलते जा रहे हैं। ये देखिए बढ़िया माहौल जम रहा है।
ये